जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। एमपी पटवारी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। यहाँ पर अभ्यास प्रश्न है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर एक दिया गया है, अगर आंसर आपसे बनता है कमेंट में आंसर बताते जाइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर है और आप सभी का सही आंसर होगा डी वाला विकल्प, यानी कि एल्गोरिथम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर के चार मुख्य कार्य हैं कौन कौन सी हैं, ये आपके लिए बताना है। बताइए कंप्यूटर के चार मुख्य कार्य कौन कौन से माने जाते हैं। तो आपका सही आंसर है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडलिंग और ऑपरेशंस। ये चार मुख्य कार्य माने जाते हैं कंप्यूटर के। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, ये आपके लिए बताना है। तीन में बताइए कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर तीन है, तो आपका सही आंसर होगा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आपका सही आंसर है। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटपुट, इनपुट या फिर थ्रूपुट या फिर रिपोर्ट। तो चार में आपका सही आंसर होगा थ्रूपुट। आपका सही आंसर होगा सी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर है। सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है। क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है, प्रोग्रामिंग कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है, एनालिसिस कहलाता है। सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है। क्या पाँच में आपका एक फीडबैक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आउटपुट है, आउटपुट क्या है, क्वेश्चन नंबर छः में आपके लिए बताना है। तो आपका सही आंसर है जो प्रोसेसर यूजर से प्राप्त की जाती है, जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है, जो यूजर द्वारा प्रोसेसर को प्रदान की जाती है, तो उपर्युक्त सभी आपका यहाँ पर ये आउटपुट माना जाता है। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सात है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है। सात में आपके लिए बताना है तो कंप्यूटर की विशेषता है गोपनीयता। विकल्प नंबर आपका सी वाला विकल्प यहां पर सही आंसर होगा, गोपनीयता। खालिस्तान कच्चे तथ्य बताता है कि जबकि खालिस्तान से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। यहां पर क्या होगा सही आंसर खालिस्तान में बताना है। आठ में चयन करना है, तो आठ में आपका सी सही आंसर होगा, यानी कि सूचना और बिट्स, यानी कि यहाँ पर आपका क्या होगा, सूचना कच्चे तत्व बताता है जबकि बिट्स से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ये प्रकार जो सी है भाई आपका सही आंसर होगा। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डाटा या सूचना कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नौ में आपके लिए बताना है क्या कहलाती है, तो इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नौ आपसे यहाँ पर पूछा, दस पूछा गया है कि कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है, डाटा या फिर आइडियाज या फिर ऑब्जेक्ट्स या फिर फैक्ट्स। तो दस में आपका सही आंसर होगा, ये बनते हैं डाटा बनता है। क्या बनता है, कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो डाटा बनता है, डाटा आपका सही आंसर होगा। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण निम्न में से है। ग्यारह में आपको चयन करना है, तो ग्यारह में आप सभी का सही आंसर होगा कर्मचारी का नाम, विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल हैं। किसके घटक शामिल हैं, बारह में आप सभी का सही आंसर होगा डाटा। डाटा आपका सही आंसर है सी वाला विकल्प। खालिस्तान वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रयुक्त किया जाता है। क्या होगा सही आंसर, प्रोसेस होगा आपका सही आंसर, या फिर यहाँ पर सॉफ्टवेयर, या फिर स्टोरेज, या फिर इंफॉर्मेशन। तेरह में आपको चयन करना है, तेरह में आप सभी का सही आंसर है डी, यानी कि इंफॉर्मेशन आपका सही आंसर होगा। डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों, जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना,
कहा जाता है, ये क्या कहा जाता है? तो 14 में आप सभी का सही आंसर है, ये कहा जाता है इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन आपका सही आंसर होगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में खालिस्तान का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। तो यहाँ पर खालिस्तान पर क्या आएगा ये आपके लिए बताना है 15 में। तो यहाँ पर मशीन लैंग्वेज आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती है बताइएगा। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 16 में आप सभी का सही आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब आपका सही आंसर है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी, तो वैक्यूम ट्यूब आपका सही आंसर है। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता था, क्या प्रयोग होता था, 17 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर्स में प्राय प्रयोग होता था, क्या होता था, ट्रांजिस्टर आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना था, यानी कि कब से कब तक द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर चली, इनका कार्यकाल आपके लिए 18 में बताना है। तो आपका सही आंसर 1957 से 1962 तक जो है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा 19वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है देखिएगा, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था, तृतीय पूछा गया है। 19 में आप सभी का सही आंसर है 1963 से 1972 आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए, किसके द्वारा बनाए गए थे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है और आपका सही आंसर है इंटीग्रेटेड चिप्स, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी थी, सी, कोबोल, लाबा, सॉरी जावा या फिर पास्कल। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका सही आंसर है कोबोल आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सोचो कि हजारों खालिस्तान से चिप्स बनती है। क्वेश्चन 22 पूछा गया है, 22 में आपका सही आंसर होगा ट्रांजिस्टर, आपका यहाँ पर सही आंसर है, सोचो कि हजारों ट्रांजिस्टर से चिप्स बनती है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर है। आईसी बना है, आईसी किससे बना है, क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है, 23 में आपका सही आंसर होगा आईसी जो है आईसी ये बना है किससे, ट्रांजिस्टर से, विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर होगा। कंप्यूटर की आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है बताइए, क्रोमियम, तांबा, प्लेटिनियम या फिर सिलिकॉन। क्वेश्चन 24 है, महत्वपूर्ण है, आप सभी का सही आंसर है सिलिकॉन, सिलिकॉन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है, 25 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर आपका सी, जे एस किल्वी आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। इस प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे, अपने कंप्यूटर से संबंधित और भी क्वेश्चन हैं वह आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार आपके लिए कंप्यूटर के पूरे क्वेश्चन करवाए जाएंगे और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे। जय हिंद।